सरकार ने घोषणा की थी कि हम सरकार में आते ही शराबबंदी बंद करेंगे और शराबबंदी से ये सब घटनाएं घट रही है। मगर आज सरकार को 4 साल पूरे होने वाले हैं, कांग्रेस सरकार को, भूपेश बघेल जी को अपने सरकार में बैठे हुए लगभग 4 साल पूरे होने वाले, मगर शराबबंदी को लेकर किसी भी प्रकार की लगभग कई कैबिनेट बैठक हो गई मगर शराबबंदी को लेकर कोई डिसीजन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शराबबंदी अभी हम करेंगे नहीं, अभी हम बैठ के बात करेंगे, बात करने के बाद इस पर सहमति बनेगी, मगर 4 साल पूरे होने को आ गए। आए दिन शराब से किसी की हत्याएं हो जा रही है, किसी का मर्डर हो जा रहा है, किसी का डकैती हो जा रही है, कोई मित्र आपस में लड़ रहे हैं, मगर सरकार सोई हुई है। और शराब नीति, छत्तीसगढ़ में जो शराबबंदी का वादा था कांग्रेस सरकार का, मगर वह पैसा जो भी शराब के रेट आए दिन बढ़ाकर जो पैसे आ रहे हैं वह 10 जनपद सोनिया गांधी के घर जा रहे हैं। जनता के हित में सड़क नाली और जनता को जो योजनाओं का लाभ मिलता था वह ना मिलकर आए हुए पैसे सीधा 10 जनपद सोनिया गांधी के घर जा रही है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।